भोपाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने नॉमिनेशन जमा किया। इससे पहले आलोक शर्मा ने सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ कर्फ्यू वाली माता मंदिर में पूजा भी की, भवानी चौक पर सभा की। इसमें कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हुए। सभा के बाद रैली के रूप में आलोक शर्मा नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, सुदेश राय मौजूद रहे। फिर भी मानते नहीं और कैसी कैसी मूर्खता की बात करते, लेकिन उनके शब्द उनकी सारी बातें उन तक रखो। हमारा अपना तो भगवान कृष्ण और भगवान की राम की संस्कृति वाले लोग हैं। लोग कह रहे हैं आप आओगे तो कैसे रखोगे, हमने कहा हमारे दूध में शक्कर मिलती जा रही है, इसका आनंद हम उठाएंगे। ये आनंद हमारे बीच में, इसका स्वाद हम ही जानेंगे। जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए, सारा भरा पूरा मंच है। और जिस जगह में खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, जिस फार्म भरने के लिए हमारे मित्र मंडली जा रही है, मुझे तुरंत यहाँ के बाद भिंड और भिंड के पहले सागर फार्म भरने जाना है। उसमें हवाई टाइम भी आएगा और 3 बजे खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा कि हमने तो माताजी के सामने फार्म भरा दिया, जब से माताजी विराजमान हुई हमारा भोपाल में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे। ये बिल्कुल ऐसा मौका है कि 25 साल का हमारा अपना अभी तो रिकॉर्ड दिख ही रहा है कि लगातार एक के बाद एक, चाहे कैलाश जोशी जी हो, उमा भारती जी हो, लगातार एक के बाद आलोक संजर जी हो, हमारे कार्यकर्ता जिनने अपने काम की पहचान बनाई और वो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हो गए, सारे लोगों ने जिस जगह गौरवान्वित किया, हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता जिनको जहां खड़ा कर दो वहां दम से अपना चुनाव लड़ने जाते हैं। भाई आलोक जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, किसी सीट पे लड़ाओ वही बात नहीं, उत्तर वाली सीट है जो हमारी चुनौती थी, वहां दम से लड़ने वाला भी चाहिए, लेकिन जहां हमारी अपनी 100% जीतने की संभावना है, यही तो कार्यकर्ताओं का भरोसा है और यही तो कांग्रेस फेल होती है और हम पास होते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को उठा करके कहां से कहां पहुंचा देते हैं। ये एकमात्र पार्टी दुनिया की ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती है। जोरदार ताली बजा नड्डा जी के लिए। और ये जो चुनाव हमारा चुनाव तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं, अपने सामने एक ऐसा इतिहास बनते देख रहे हैं। पूरी मेजोरिटी के बाद अपने बलबूते पर विपक्षी दल के लोग, उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जोरदार ताली बजाओ, हमारे प्रदेश से जिनने जाकर के दुनिया में अपनी सरकार बन सकती है दिखाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उससे आगे ले जा रहे हैं हमारी पार्टी और पूरे देश को। कभी कोई कल्पना कर सकता था कि अपने यहाँ बलबूते पर 2014 में जिन्होंने पूरी मेजोरिटी से सरकार चलाई, जोरदार ताली बजाओ 2014 की। और मध्य प्रदेश वाले और आगे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब और पूरी भाजपा उस समय की जब 27 सीट जीते 2014 में, 2019 में 28 जीते और अब की बार छिंदवाड़ा पार है, बोला भारत माता की। आपका आशीर्वाद 2015 के महापौर चुनाव में मिला था और महापौर रहकर मेरे से जो बन सका मैंने भोपाल की जनता की सेवा करने का काम किया। आज मैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर हम आज जनता के बीच में जा रहे हैं। आज अगर मध्य प्रदेश में और भोपाल में अगर जो विकास हुआ है, अगर आज भोपाल स्मार्ट सिटी बना है, हेरिटेज सिटी बना है, डिजिटल सिटी बना है, ग्लोबल सिटी बना है, मेट्रो सिटी बना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बना हुआ है। आज हम प्रधानमंत्री जी की हमारी गारंटी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले 2047 में विकसित भारत की जो कल्पना देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें हम कदम ताल करते हुए अपने भोपाल को आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगा आपका आशीर्वाद रहा, आपने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया, तो हम भोपाल के विकास का रोड मैप बनाएंगे। भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, सीहोर की जनता के सपनों का सीहोर कैसा हो और बेरसिया की जनता के सपनों का बेरसिया कैसा हो, इसके लिए हम एक विकास का रोड मैप जारी करेंगे और आने वाले समय में भोपाल के डेवलपमेंट का संकल्प और मैनिफेस्टो जारी करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। बोलिए भारत माता की।